स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। पाकिस्तान के रावलपिंडी के मुर्री में बर्फीले तूफान में 20 से ज्यादा लोगों की मौत पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इससे भी ज्यादा पीएम इमरान खान के बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। पीएम इमरान खान ने कहा कि लोग मौसम की जानकारी के लिए बिना मुर्री पहुंचे, लेकिन सवाल यह है कि इमरान जिस तरह से मरने वालों पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्होंने या उनकी सरकार ने लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए? आखिर अलर्ट के बावजूद पर्यटकों को मुर्री क्यों जाने दिया गया? पाकिस्तान में बर्फीली मौत का भयावह मंजर, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और कोई मदद को नहीं आया। बर्फीले तूफान में सड़कों पर हजारों गाड़ियां फंस गईं। तूफान से जंग में कई जिंदगियां हार गईं। लेकिन इमरान खान के लिए, इन सब के लिए प्रशासन नहीं, आम लोग जिम्मेदार हैं। बाहरे इमरान, कुर्सी के लिए मौत पर भी सियासत, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ही कर सकते हैं। शाम को 6:30 बजे तक पंजाब प्रांत के मुर्री में बर्फबारी में फंसकर इतनी बड़ी तादाद में लोग मरी और गलियात और बाड़ियां की तरफ आ चुके हैं कि हम पिछले 12 घंटे से रास्ता खोलने में कामयाब नहीं हो सके। हमने मरी जाने वाले सारे रास्ते बंद भी कर दिए हैं। इसके बावजूद एक बहुत बड़ी दुनिया की सियाहों की तादाद है जो वहां मौजूद है और सख्त सर्दी का आलम है। इमरान खान से लेकर उनकी सरकार के तमाम नेताओं ने इस बात को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया कि उनकी लापरवाही की वजह से लोगों की जान चली गई, बल्कि लोगों की मौत की वजह प्राकृतिक आपदा और बड़ी संख्या में लोगों के मुर्री पहुंचने को बताया गया। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन के लिए इन हालात को संभालना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि भयंकर बर्फबारी के बीच रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक मुर्री पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये लाजमी था क्योंकि इतने सारे लोगों को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। थोड़े वक्त में इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उसकी जो प्रिवेंशन है उसमें मुश्किलात आएंगी और ये मुमकिन नहीं है कि कोई जो इंतज़ामिया को ये कहा जाए या किसी को भी ये कहा जाए इतनी छोटी तादाद में कि वो सारे मामले को अचानक हैंडल कर लेगा। लाखों की तादाद में बिल्कुल थोड़े वक्त में, 48 घंटों से कम वक्त में लाखों लोग जो हैं वो इन इलाकों में चले गए। जब हम कहते हैं कि टूरिज्म जो है वो बढ़े तो उसका मतलब ये नहीं है कि 48 घंटों में वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे, तो कोई भी जाहिर है वो क्लैप्स कर देगा सिस्टम। जाहिर है हादसे के बाद पाकिस्तान सरकार पर सवाल उठने थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जब भी कुछ गलत हो तो उसके लिए कोई और ही जिम्मेदार होता है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर इमरान खान से सवाल किए हैं, उस वक्त सरकार कहाँ थी, इस तरह के हालात से निपटने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की, नाकामयाबी तेजी से आपराधिकता में बदल रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस आपदा से पहले भयंकर बर्फबारी की चेतावनी जारी होने के बावजूद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग, रावलपिंडी जिला प्रशासन समेत संबंधित सरकारी विभागों ने मुर्री में कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी तो इमरान सरकार और रावलपिंडी का प्रशासन अलर्ट पर क्यों नहीं था? पर्यटकों को खतरे वाले इलाके में जाने से रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? खराब मौसम की आशंका के बीच हजारों लोगों को फंसने के लिए कैसे छोड़ दिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात इमरान खान पर दूसरी आफत की। पाकिस्तान के पीएम के मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार को लेकर उन पर दबाव बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद इमरान खान फंस गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की पार्टी ने करोड़ों का विदेशी चंदा लेने के बारे में जानकारी छुपाई। इस खुलासे के बाद विपक्ष इमरान का इस्तीफा मांग रहा है। इमरान की चंदा चोरी बेनकाब, पाकिस्तान के पीएम का पाखंड, विदेशी चंदे पर खतरे में इमरान की कुर्सी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री इमरान खान की अपने ही देश में किरकिरी हो रही है। जनता से लेकर विपक्षी नेता तक इमरान खान को कोस रहे हैं। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पर विदेशों से मिले चंदे की जानकारी छिपाने का आरोप लगा है, इमरान खान की मुसीबत बढ़ गई है। आरोप है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने विदेशी चंदा मिलने की बात छिपाई और उन बैंक अकाउंट का भी जिक्र नहीं किया जहां से ये मिली है। पाकिस्तान चुनाव आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की पार्टी को 1.64 बिलियन रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं। आरोप ये है कि पीटीआई ने 310 मिलियन रुपए की जानकारी आयोग से छुपाई है। वर्ष 2019 में एक कमेटी बनाकर के पीटीआई को मिले फंडिंग की जांच की गई थी। अब इमरान खान के विरोधी ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने लाखों रुपए का चंदा गलत तरीके से हासिल किया है। भ्रष्टाचार को लेकर इमरान खान पहले से ही विपक्षी नेताओं के निशाने पर है और अब नया मामला मुल्क में सामने आने के बाद पाकिस्तान में सियासत तेज हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने इमरान खान से इस्तीफे की मांग की। शहबाज शरीफ का तर्क है कि जो व्यक्ति गलत साक्ष्य